नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, ढेचा। इसे लहसुन और मिर्च की चटनी भी कहते हैं। लहसुन और मिर्च की चटनी को आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसे तड़के में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ढेचा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी और इसे कैसे बनाई जाती है। ढेचा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लाल मिर्च। मैंने यहाँ ताजा लाल मिर्च यूज किया है, आप चाहे तो खड़ी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो लाल मिर्च लेंगे 1.5 कप। खड़ी लाल मिर्च को यूज करने से ढेचा का कलर बहुत अच्छा आता है। बस खड़ी लाल मिर्च को अगर यूज कर रहे हैं आप तो उसे आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो करके रख दीजिए। आधा कप लहसुन छीले हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सिट्रिक एसिड 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1.5 छोटी चम्मच, तेल आधा कप से 1/4 कप, जितना आपको जरूरत लगे उतना यूज करिए। तो दोस्तों ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, अब हम ढेचा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें डाल देंगे अदरक, सिट्रिक एसिड, लहसुन और मिर्च, नमक भी डाल देंगे। तेल डाल देंगे। अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है ढेचे को। ढेचा कलर में थोड़ा फीका लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ ताजा लाल मिर्च का यूज किया था। आपने पिछली रेसिपी में देखा होगा जो मैंने ढेचा यूज किया था तड़का लगाने के लिए, उसका कलर बहुत गाढ़ा था। वो इसलिए था क्योंकि मैंने उस ढेचे में खड़ी मिर्च का यूज किया था। खड़ी मिर्च कलर तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जो ताजा लाल मिर्च होते हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने ताजा लाल मिर्च यूज किया है यहाँ। ढेचा बनाते वक्त आप रिफाइंड ऑयल की जगह में मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मैं इसे तड़का नहीं दे रही हूँ, अगर आप इसे तड़का देना चाहते हैं तो ऊपर से कलौंजी का तड़का लगा सकते हैं। ढेचा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ढेचा बहुत ही अच्छा बना है और तीखा बना है। ढेचा का स्वाद 1 हफ्ते के बाद ही अच्छा आता है और आप इसे अचार की तरह ही लंबे समय तक रख करके खा सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना बहुत पसंद है तो आपको ढेचा जरूर पसंद आएगा। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, चटनी की तरह खा सकते हैं। आप भी ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको ये खाने में कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।